हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गीत कौशिक। फ्रेंड्स, मैं एक ड्रेस मेकर हूँ। आज मैं आपको ट्राउजर पैंट का मेजरमेंट लेना और कटिंग बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये कटिंग हम बगैर सेब पट्टी के करेंगे, ओनली इंची टेप से। तो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं मेजरमेंट लेना। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना ही मेजरमेंट लेके बता रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें हमारी नी का मेजरमेंट लेना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेते हैं। फ्रेंड्स, लंबाई का नाप हमें के लिए हमें दूसरों की हेल्प की जरूरत होगी, इसीलिए अब हम कमर का नाप लेते हैं। ऐसे हम जहां पे हमें जो ये पैंट पहननी होगी वहां से हम अपनी कमर का नाप लेंगे। ऐसे ये मेरी 36 है। उसके बाद हम हमारी थाई का नाप लेंगे। थाई के नाप हम नॉर्मल नाप लेके उसमें 3 इंच ऐड करते हैं। ये मेरी थाई 25 है, तो हम ये 28 तैयार करेंगे। उसके बाद हमारी जो ये नी होती है इसका हम नाप लेंगे। वो नाप हम कैसे लेंगे, क्योंकि बगैर सेब पट्टी में हमें नी का नाप लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसे इंची टेप पैर के अंदर किया और ऐसे ऊपर की साइड फोल्ड किया, ताकि हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। और ये हमारा 18 इंच के करीब है। और उसके बाद हमारे बॉटम लेंगे। बॉटम मैं अपनी 6.5 बनाती हूँ। वो अपनी मर्जी या अपने कस्टमर की मर्जी के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे हमारे जो ये पैर होता है इसको ऐसे नाप के हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को किनारे से मिला के ऐसे बिछा लेंगे। उसके बाद हमें नीचे जितना फोल्ड करना है उतना हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें जितनी हमें लंबाई चाहिए है, हमारी लंबाई है 36, और ऊपर हम 1 इंच की बेल्ट भी लगाएंगे, तो ये हम लेंगे 35। तो यहाँ पे हमने 35 पे सीधा निशान कर लेना है। हमारी जो कमर है वो भी 36 है, तो हम ये इसका चौथा हिस्सा लेंगे, वो हमारा 9.5 होगा। और हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 10.5 इंच। ये हम सीधा निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पे। और 36 इंच की कमर में हम जो आसन है वो लेते हैं 12 इंच। हमारा जो बेल्ट लगानी है 1 इंच की, वो ऊपर निकाल के नीचे से हम 12 इंच पे हमारे आसन का निशान लगा लेंगे। और इस निशान को भी इंची टेप से ही हम सीधा कर देंगे। उसके बाद जो हमारी थाई है वो 27 है, तो 27 का हाफ 13.5 यहाँ पे हम ये निशान लगा देंगे। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम अपने आसन की गोलाई देंगे। इसके बाद हम हमारी जो थाई है उसका आधा करेंगे, 13.5 का आधा होगा 7.25। 7.25 पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम 7.25 पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा बीच का निशान हो गया। अब जो हमारी नी थी उसका हम कैसे निशान लगाएंगे, जो टोटल लेंथ है उसका हम आधा कर लेंगे। हमारी थी 35 का आधा कितना हुआ, ऐसे हम इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे और हमारा हुआ 17.5। ये हमारा टोटल लेंथ का आधा कर लिया हमने। अब हम जो हमारी नी थी 18 इंच थी, तो हम आधा इस साइड लेंगे, आधा इस साइड लेंगे, आधा करेंगे हम 9 इंच, तो 9 इंच का हम आधा इस साइड लेंगे, आधा उस साइड लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम हमारी जो नीचे की बॉटम है 6.5 है, तो हम
आधा इंच सिलाई का रखते हुए आधा इधर और आधा इधर की साइड लेके निशान लगा लेंगे। अब हम इंची के टेप से ही इसे मिला देंगे ऐसे। और उसके बाद हम हल्की हल्की ऐसे शेप देते हुए हमारे आसन से इसे मिला देंगे। इसको भी हम इधर से भी ऐसे ही मिला देंगे और हल्की हल्की शेप देते हुए इसे भी हम मिला देंगे। अब हम फ्रेंड्स इन निशानों पे कटिंग करेंगे। अब इन निशानों पे हम कट कर देंगे। ये हमारे आगे के हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे के हिस्से के लिए अपना कपड़ा बिछाते हैं और कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स ये हमने आगे के हिस्से को बिछा लिया पीछे के हिस्से को कट करने के लिए। अब जो हमारे ये निशान है इसको हम सीधा कर देंगे। इसको भी हम सीधा कर देंगे। जो 36 हिप के लिए हम हमारे 3 इंच ऊपर उठा के कट करते हैं और यहां आसन से इधर की साइड हम इसे तिरछा मिला देंगे। और हर जगह से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। क्योंकि पीछे का हिस्सा ट्राउजर पैंट में हमेशा बड़ा कट होता है। और ये हम हमारे आसन की गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे आगे के हिस्से पे प्लेट डालने के लिए हम इसका बीच करेंगे। ये हमारा बीच है और हम 4 इंच की लंबाई की हम प्लेट डालेंगे और 1 इंच मोटी डालेंगे। ये हमारी प्लेट डलेगी। अब हम पीछे के हिस्से को इन लाइनों पे कट कर देते हैं। और इधर से हम इसके बराबर कट करेंगे। ये हमारी ट्राउजर पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई। ये हमारा आगे का हिस्सा है और ये हमारा पीछे का हिस्सा है। ये 3 इंच हमने उठा के कट किया है और यहाँ पे 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। और जो हम आगे की बेल्ट बनाएंगे वो हमारी पेस्टिंग बुकरम के अकॉर्डिंग हम उसे कट करेंगे। और पीछे की बेल्ट जितने चौड़ा हमारा इलास्टिक होगा उसके अकॉर्डिंग हम पीछे की बेल्ट कट करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।